इस तरह की 3D कैरेक्टर कैसे बनाए वो तो हमने रिसेंट वीडियो से सीख ही लिया, बट किसी भी रेंडम कैरेक्टर से अपने फेस को उस कैरेक्टर पे कैसे रिप्लेस करके खुद की एक यूनिक कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो, वो भी जस्ट वन टैप करते ही। इस सीक्रेट AI टूल के बारे में आज की इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। बस आपको इसमें से किसी भी कैरेक्टर को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है और अपना एक फोटो को अपलोड कर दो। उसके बाद AI टूल ऑटोमेटिकली आपकी फेस को उस कैरेक्टर पे स्वैप करके दे देगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। तो चलिए फिर आज के समझिंग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी। आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है जिसे आप करेक्टर क्रिएट कर सकते हो या फिर खुद का नाम वाले करेक्टर क्रिएट सकते हो। तो यहाँ पे एक दो प्रॉम्प्ट वगैरह मैं दे दिया हूँ। नीचे में आपको यहाँ पे AI की दो टूल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ऊपर वाले है वहाँ पे आप फेस स्वैप कर सकते हो, एंड जो नीचे में वो इस तरीके से आप इमेज जनरेट कर सकते हो खुद के लिए। सो अगर आपके पास ऐसे 3D करेक्टर ही नहीं होंगे तो आप फेस स्वैप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप अपने लिए कैसे इमेज जनरेट करा सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रिप्ट बना करती है, उस स्क्रिप्ट को कॉपी करना। तो यहाँ पे दो तीन आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा। ऊपर के दो प्रॉम्प्ट कॉपी करके आप इमेज जनरेट करोगे तो आपको इस तरीके से सोशल मीडिया वाली ये 3D कैरेक्टर इमेज क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर आप ये वाली प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इमेज जनरेट कराओगे तो आपको इस तरीके से इमेज जनरेट करके देगी। तो इसमें से प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे दो AI टूल है, एक तो फेस स्वैप वाली एंड एक इमेज जनरेटर वाली। सबसे पहले आपको मैं इमेज जनरेट करके दिखा देता हूँ, एंड उसके बाद आपके पास इमेज आ जाएगी तो आप कैसे फेस स्वैप कर सकते हो उसके बाद मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बाकी आप प्रॉम्प्ट को चेंज करना चाहते हो, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटिंग हो रही है, लेकिन आप यहाँ पे पहली बार एडिटिंग कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे तो आपको लॉग इन करना जरूरी है। और लॉग इन करने से पहले आपको साइन अप करना जरूरी है, आपको यहाँ पे ID क्रिएट करना जरूरी होता है, तब जाके ये वेबसाइट ओपन होती है एंड यहाँ पे इमेज क्रिएट करके देती है। तो यहाँ से मेरा अकाउंट पहले से साइन इन है, इसलिए यहाँ पे क्रिएट हो पा रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आ रहा है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताया हूँ कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट बिंग से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वो भी सेकंड्स पे। तो उस वीडियो को देख लेना, यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड लोडिंग होने के बाद हमारी इमेज क्रिएट होके आ गई है, बट ये उतना खास नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, मतलब यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है तो उसमें हम चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के बाद फिर क्रिएट को अगेन प्रेस करेंगे और यहाँ पे 5-10 सेकंड लोडिंग होने के बाद यहाँ रिजल्ट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज क्रिएट हो गई है एंड ये टी शर्ट पे दीपक क्रिएशन लिखा है, मतलब कि हमारे चैनल का नाम लिखा है। उसे आप अपना नाम लिखना चाहते हो या फिर कुछ भी डालना चाहते हो तो यहाँ पे दीपक क्रिएशन को हटा के अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद क्रिएट करना, आपका भी नाम आ जाएगी। तो यहाँ पे जितना भी इमेजेस आए थे तो मैं उसे सेव कर लिया हूँ। एंड उसके बाद मैं आपको फेस स्वैप करके दिखाऊंगा, मतलब कि इस कैरेक्टर में अपना फेस लगा कर दिखाऊंगा। उसके लिए सिंपली आपको वहाँ पे बैक आ जाना है, मतलब कि वो फर्स्ट वाले एपिसोड ओपन करना है जहाँ पे AI टूल्स है। अब आपको सिंपली फर्स्ट वाले टूल को ओपन करना है, मतलब AI फेस स्वैप ऑनलाइन लिखा है, जस्ट आपको यहाँ पे टैप करना है। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कैरेक्टर वाले इमेज को यहाँ पे आपको अपलोड करनी है और जो नीचे में अपलोड स्वैप इमेज लिखा है उसमें आपको अपना किसी भी एक फोटो को ऐड करना है जिसमें आपका फेस बिल्कुल अच्छे से दिख रहा हो। एंड जैसे पासपोर्ट फोटो में होते हैं वैसे आपकी फोटो होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये सिंपल सा फोटो है, आई मीन जो मेरा फेस है वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये टूल हमारी फेस को उस कैरेक्टर पे स्वैप करके इजिली दे देगी। जैसे यहाँ पे स्वैप को प्रेस करा, यहाँ पे 2 सेकंड भी नहीं लगा एंड हमारा एडिटिंग यहाँ पे हो गई है, देख सकते हो, जो कि बहुत ही परफेक्टली लग रही है। यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, सेम टू सेम बनाकर दे दीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल सा लग रहा है। अब मैं इस इमेज पे ट्राई करूंगा जो कि 3D बॉय कैरेक्टर है। इस तरह के कैरेक्टर बनाना चाहते हो तो पिछले वीडियो पे आपको बताया था, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ये भी कैरेक्टर को देख सकते हो, हमारा फेस स्वैप हो चुकी है जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रही है। और भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं तो उसे हम ट्राई करके देखते हैं एंड यहाँ देखते हैं मैच करके कि हमें रिजल्ट कैसे देखने को मिल रही है। तो ये वाली वे मैं फोटो अपलोड करा एंड यहाँ से हमारी फेस स्वैप हो रही है। तो आप देख सकते हो ये भी रेडी हो गई है, बट ये थोड़ी सी वियर्ड सा लग रही है, मतलब ओरिजिनल नहीं लग रही है, थोड़ा फेक टाइप से फील हो रही है। तो इसे मैं दूसरा इमेज को ऐड करता हूँ, तो ये वाली इमेज को ऐड करूंगा एंड देखते हैं कि ये इसमें कैसे एडिटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्वैप करने के बाद 2 सेकंड यहाँ पे लोडिंग लेती है एंड आप देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्ट एंड ओरिजिनल लग रही है, आप ये देख सकते हो। इसे मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ एंड ये वॉलपेपर सेट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन लग रही है, आप देख सकते हो। नाउ इस फोटो पे हम स्वैप करके देखते हैं। तो जस्ट मैंने स्वैप करा अपलोड करके एंड ये भी रिजल्ट हमें देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रही है, फिर मतलब परफेक्ट नहीं दे पा रही है। तो इसमें भी देख सकते हो ये भी बहुत ही रियलिस्टिक सा लग रही है, जो कि बहुत ही कमाल की है। इस तरीके से आप अनलिमिटेड कैरेक्टर्स पे अपना फेस स्वैप करो एंड आपकी फोटो बिल्कुल ओरिजिनल लगेगी। एंड मतलब ये सब चीज बिल्कुल फ्री में है, कोई चार्ज नहीं लेता, बट थोड़ा सा लिमिट रहता है, लेकिन फेस स्वैप करने का अनलिमिटेड है। आप किसी भी कैरेक्टर को यहाँ पे कितनी बार भी यहाँ पे फेस स्वैप करा सकते हो। फिलहाल अभी के लिए तो हमें फ्री पे दे रही है,
जो कि बहुत ही कमाल की टूल है। एंड जल्दी से जल्दी आप भी इस तरीके से एडिटिंग करो एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ये ट्रिक की वीडियो जल्दी से शेयर करो। तो ये भी इमेज को हमने स्वैप करा के देखा जो कि यार बिल्कुल रियलिस्टिक वर्क करके दे रही है, बहुत ही कमाल की बात है। हमारे ए आई इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है। आने वाले टाइम पे सब काम ए आई से होगा। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग टूल है जो कि इसे भी आपको ट्राई करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन है, एक स्वैप फेस एंड एक मल्टीपल फेस। मतलब स्वैप फेस में एक सिंगल मॉडल की फेस को चेंज कर सकते हो, बट मल्टीपल फेस पे अगर टैप करोगे तो इसमें आप मल्टीपल फोटोज के भी आप मतलब मल्टीपल फेस पे मल्टीपल फोटोज एंड कैरेक्टर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अपलोड इमेज को प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे आपको मल्टीपल फेस वाली इमेज को ऐड करना है। लाइक आप देख सकते हो इसमें दो फेस है, चाहे वो अलग हो या फिर सेम हो, बट यहाँ पे अगर दो तीन फेस वाली ऐड करोगे तो आप एक बार में ही मल्टीपल फेस स्वैप करा सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड करा एंड यहाँ पे देख सकते हो दो फेस का ऑप्शन आ गया है, जिसमें मैं दोनों फोटो को मैं सेम ही ऐड करके देख लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं जैसे ही स्वैप को प्रेस करूंगा यहाँ पे मल्टीपल फेस स्वैप करके दे देगी। यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट हमें बहुत ही कमाल के देखने को मिल रहा है। वैसे यहाँ पे जो डिफॉल्ट पे फोटोज है उसमें हम ट्राई करके देखते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो तीन फेस आ गए हैं। इसमें आप चार पांच छह या दस फेसेस रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं फिलहाल सेम फोटो को यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही फोटो है, तो कोई बात नहीं मैं यहाँ पे रिप्लेस करके एंड चेक करके दिखा देता हूँ ये अच्छे से वर्क करती है नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये बिल्कुल फुल फनी सा एडिट हो गई है, अपना काम करके तो अच्छे से दे दिया। आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो आप इस तरीके से फनी इमेज भी क्रिएट कर सकते हो एंड यहाँ से अपने फोटो को सेव कर सकते हो। सो उम्मीद है आप लोग को आज की ये फेस स्वैप वाली एडिटिंग टूल अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके 150 लाइक्स कंप्लीट करा देना। अगर 24 आवर के अंदर 150 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ऐसे ही आप लोग के लिए न्यू अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग ये टूल रिसर्च करके नेक्स्ट वीडियो पे भी आपको दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को ऐसे ए टूल अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आप लोग के लिए और न्यू एआई टूल के बारे में बताने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। सो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।